मात्र दो सेटिंग में बताएंगे और आपका सब्सक्राइबर एंड व्यूज बढ़ेगा, बिल्कुल 100% काम करेगा आपका ये, ठीक है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, आप लोगों ने तो थंबनेल देख कर पता ही हो गया होगा कि किस तरह से आप अपने चैनल में सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आप लोग जब छोटे यूट्यूबर होते हैं, नए यूट्यूबर होते हैं, तो वो बहुत परेशान होते हैं ना कि किस टाइप का हम क्या नाम है वीडियो बनाएं, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, कि हमारे चैनल में भी व्यूज और सब्सक्राइब बढ़े। तो आप बहुत परेशान होते हो और आप उस चीज़ का पता नहीं लगा पाते हो। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि YT स्टूडियो को में दो सेटिंग ऑन करके किस तरह से आप अपना व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे देखना होगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आपका सब्सक्राइब बढ़ सके और क्या क्या आपको उसमें मेंशन करना है और आपको उसमें अपने चैनल में देखना है कि आपका ये सब वहाँ से टिक मार्क लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरे वीडियो को प्लीज़ कट मत करिएगा और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम YT स्टूडियो पे जाएंगे। आपके फ़ोन पे YT स्टूडियो तो होगा ना, YT स्टूडियो में जो भी वीडियो जाता है YT स्टूडियो में जाता है। YT स्टूडियो पे ही जाकर हम क्लिक करेंगे, अब YT स्टूडियो को ऑन करेंगे। ये देखिए हमारा ओपन होकर ये आ गया है, ठीक है। ये पूरा जो YT स्टूडियो का जो पूरा जो होता है पूरा ये लोगो वगैरह खुल के आ गया। यहाँ नीचे लिखा है कॉन्टेंट, कॉन्टेंट पे ध्यान दीजिए, कॉन्टेंट पे लिखा है ना, ये एनालिस्ट कमेंट या कॉन्टेंट जो लिखा है, कॉन्टेंट पे ही जाकर हमको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मेरा नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, चलिए बहुत टाइम थोड़ा ले रहा है। फिर उसके बाद ये देखिए खुल कर आ गया है ना पूरा, वीडियो शॉर्ट लाइव प्ले लिस्ट। यहाँ देखिए एरो बना हुआ है ना, शॉर्ट बाय विजिबिलिटी व्यूज, तो जो एरो बना है इसी एरो पे ही हमको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसी एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। ये खुल कर आ गया ना, फिल्टर शॉर्ट बाय, पहले ऑप्शन में लिखा है मोर रिसेंट डिफॉल्ट, फिर दूसरा लिखा है मोस्ट व्यू। ये जो टिक लगा हुआ है ये रॉन्ग है, इस पे हमें किस पे करना है, मोस्ट व्यू पे करना है, ठीक है। किस पे करना है, मोस्ट व्यू पे करना है, मोस्ट व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर नीचे लिखा है विजिबिलिटी पब्लिक प्राइवेट अनलिस्टेड हैशटैग ड्रॉप, इतने सारे जो ऑप्शन उसमें क्या आप समझ ही गए होंगे कि हमें किस में क्लिक करना है। अगर हम जब पब्लिक में करेंगे तभी हमारा जो वीडियो कहाँ जाएगा, पब्लिक के बाद ही जाएगा, तो हमें किस पे क्लिक कर देना है, पब्लिक में क्लिक कर देना, ठीक है। ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को और प्लीज़ वीडियो को कट कट करके बिल्कुल मत करिए। फिर नीचे आएंगे वीडियो, व्यू में लिखा ना मोर देन एंड लेस देन, मोर देन का मतलब जो भविष्य में प्रेजेंट टाइम में चलता है, तो हमें इस पर ही जो टिक देख रहे हैं इस पर हमें मोर देन पे ही क्लिक करना, ठीक है, मोर देन पे ही। ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझिएगा प्लीज़, इसको वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल मत पढ़ाएगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर ये लिखा है नंबर ऑफ वेव, लिखा है ना इंटर ए नंबर, है ना, लिखा है ना, ध्यान से देखिए नंबर ऑफ वेव इंटर ए नंबर। तो इस पर जैसे हमारे चैनल में आता है व्यूज 20-25, तो यहाँ पर जैसे मैंने जैसे 20-25 का व्यूज आता तो उसमें हम कर देंगे 1000, जैसे मैंने कर दिया है 1000, ठीक है। 1000 करने के बाद नीचे ये लिखा है ना रजिस्ट्रेशन मेड फॉर किड, मेड फॉर किड नो, सेट टू मेड फॉर किड नो, इस पर हमें सिर्फ ऑनली करना है नॉट मेड फॉर किड्स पे करना है, ठीक है। किस पे करना है, नॉट फॉर किड्स पे करना है और नीचे लिखा है नॉट सेट, इन चारों में से हमें सिर्फ करना है नॉट मेड फॉर किड्स पे करना है, ओके। फिर उसके बाद नीचे हम आएंगे, लिखा है क्लिप, क्लिप लिखा हुआ है ना, हाँ, इसमें लिखा है वीडियो कंटेंट क्लिप लिखा है ना, तो इस पे हमें टिक करना है, वीडियो कंटेंट क्लिप पे ही टिक करना है। फिर नीचे लिखा है अप्लाई, सारा जो मैंने बताया अप्लाई, उसके बाद हमें क्या कर देना है, अप्लाई कर देना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला सेटिंग, ध्यान है ये पहला सेटिंग है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ
कि दूसरा करना क्या है। मैंने क्या बताया है कि वाईटी स्टूडियो में तो ऑन करने से ही आपका व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ेगा, तभी जाकर आपका अच्छे खासे आपके चैनल में व्यूज आएंगे और सब्सक्राइब बढ़ेंगे। दूसरा सेटिंग क्या है इसको भी आप ध्यान सुनिएगा, कि पहले सेटिंग कर देने से ही आपका सब्सक्राइब थोड़े बहुत ही आएंगे, पर जो मैं अब बताने वाली हूँ उसको दूसरा सेटिंग आपको ऑन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसको भी ये नहीं कि मेरा वीडियो कर रहा, जो मेरे चैनल में नए हैं तो उसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इस तरह से आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, दूसरा ध्यान से देखिए। दूसरा जाने के लिए फिर मैं आपको बताऊंगी वाईटी स्टूडियो ही आपको ऑन करना, ठीक है। वाईटी स्टूडियो में ही जाएंगे, वाईटी स्टूडियो मैंने ऑन कर दिया है। फिर से हम यहाँ जाएंगे, लिखा है ऊपर ना विजिबिलिटी, शॉर्ट बाइक के बगल में लिखा है ना विजिबिलिटी व्यूज, ये सब लिखा है ना विजिबिलिटी का। यहाँ पे देखिए है ना पब्लिक, ये देखिए पब्लिक है ना, पब्लिक प्राइवेट अनलिस्टेड हैज ड्रॉप्ड। इसमें से आप समझ ही गए होंगे कि आपको किस पे क्लिक करना है, तो इस पे हम किस पे क्लिक करेंगे, जाहिर सी बात है पब्लिक में करेंगे। पब्लिक में करेंगे तभी तो पब्लिक के बाद हमारा सारा जो व्यूज है सब्सक्राइब, पब्लिक देखेगी तभी तो पब्लिक आपका व्यूज देखेगी और सब्सक्राइब में टिक करे तभी इसी तरह आपका व्यूज बढ़ेगा। इस पे हमने पब्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना। ओके, यहाँ पे जाकर हमें क्या कर देना है, ये अप्लाई में ही जाकर टिक कर देना। मेरा नेट बहुत स्लो चलने की वजह से ही मैं इतनी जल्दी आपको फास्ट नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है। अप्लाई में ही मैंने टिक कर दिया। यही दो सेटिंग जब ऑन कर लेंगे तो उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके चैनल में व्यूज ऑटोमेटिक, आपका व्यूज भी, क्योंकि ये सारे चीज़ आप देखिएगा, कुछ किसी में ही ऑन नहीं है, एक ही दो बटन ऑन होंगे। इसको ध्यान से आप चेक करिएगा, तब जाके आप उसमें जाकर ही ऑन कर लीजिएगा, फिर आप दूसरे दिन देखिएगा आपका सब्सक्राइब जरूर बढ़ेगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।